हेलो वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये गूगल शीट मैंने ओपन किया है, ये नहीं बल्कि ये देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, यानी वो अमाउंट जिसको हमें कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे, यानी ये वन लिखा हुआ है और आई एन बोलते हैं इंच को। एक इंच से बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या हमने लगाया है उसको आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे क्या करना है, हम जिसको भी जैसे मान लीजिए 2 फीट है तो ये फीट को FT लिखते हैं, ठीक है। 3 दिनों में कितने आवर्स होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और ये देखिए, ये 1 आवर आवर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जिससे कन्वर्ट करना है, तो दोनों ही का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है। शॉर्ट फॉर्म के थ्रू ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कर्सर को और यहाँ पे लगाएंगे कन्वर्ट का फॉर्मूला। किसका? कन्वर्ट का। तो इस तरीके से आप भी लगा लीजिएगा, कन्वर्ट कन्वर्ट लगा लिया। यहाँ पे 1 जो इंच है इसको कन्वर्ट करना है, कॉमा। किसमें कन्वर्ट करना है? ये 1 इंच है ना, तो इंच को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर कॉमा लगाइए। अब ये 1 इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये सेंटीमीटर को हमने कर लिया सेलेक्ट। ऊपर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और फिर सबका आ जाएगा। देखिए ये सबका आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, लाइन वाइज करना है, लाइन वाइज करना है, ध्यान दीजिएगा, लाइन वाइज करना है। और लाइन वाइज ही ये होके आया है, जैसे यहाँ पे फिट लिखा हुआ है ना, तो फिट यानी 2 फिट में कितने मीटर होते हैं, तो वो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। 2 फिट में कितने मीटर होते हैं, वो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यानी कि लगभग आधे मीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 72 आवर्स होते हैं, 72 आवर्स, वो यहाँ पे आएगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट फॉर्मूले का यूज करके ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से ये हो भी जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि कन्वर्ट फॉर्मूला क्यों यूज किया जाए, किस लिए यूज किया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।